अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, दुनिया में इस वक्त हाईली प्रेस किया जा रहा है। इंडियन मीडिया को शॉक करके रख दिया है कि अब्दुल्ला शफीक एक यंग बैट्समैन ने किस तरह की प्रेशर सिचुएशन में आकर परफॉर्म किया और किस तरह प्रेशर सिचुएशन में आकर प्रेशर को हैंडल किया वर्ल्ड कप के अंदर, और इतना प्रेशर वाला मैच आप इमेजिन करें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेस किया पाकिस्तान ने, वर्ल्ड मीडिया में हाईली प्रेस किया जा रहा है। इंडियन मीडिया, क्या हर्षा भोगले हो, क्या इरफान पठान हो, क्या रवि शास्त्री हो, क्या विक्रांत गुप्ता हो, विक्रांत गुप्ता ने तो यहां तक कहा ये लड़का पहले कहां था, उन्होंने तो यहां तक सवाल उठाए। और इसके अलावा किस किस ने कहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए। सबसे पहले बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की, वो कहते हैं कि क्या फेंटा लगाया है हाईएक्स, सक्सेसफुल वर्ल्ड कप का क्लैश, ब्रिलियंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर लूजिंग टू अर्ली, अब्दुल्ला शफीक वाज अ क्लेम एंड रिजवान शोइंग व्हाई ही इज 50 ओवर अवेलेबल श्रीलंका ड्यूरिंग, श्रीलंका बॉलिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस एंड टू मेनी एक्स्ट्रा। वो कहते हैं कि क्यों आखिर एक्स्ट्रा रन दिए, आखिर क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा रन दिए, जब रिजवान जैसे बैट्समैन को आप एक्स्ट्रा रन देते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर सिचुएशन में हो फिर भी वो वहां से बाहर निकल आते हैं, उनके अंदर वो सलाहियत वो क्वालिटी मौजूद है। इसके अलावा इरफान पठान लिखते हैं कि 50 ओवर ऑफ कीपिंग विद ब्रिलियंट फ्रॉम पाकिस्तान टीम, रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन फ्रॉम द पाकिस्तान टीम ड्यूरिंग इट अंडर प्रेशर फॉर देम। यानी जब पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर थी उस वक्त आकर अब्दुल्ला शफीक ने और मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया, दुनिया को दिखाया कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर किस तरह का हैंडल किया जाता है प्रेशर। और वर्ल्ड कप का जो बिगर प्रेशर होता है वो इन्हीं मैचेस में होता है कि 344 आपका बोर्ड पे लग चुका है, दो अर्ली विकेट आपने गिरा दिए हैं बाबर एंड इमामुल हक, एंड देन आपके ऊपर प्रेशर है तो आपने वो हैंडल किस तरह से करना है वो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने करके दिखाया। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता लिखते हैं कि रिजवान इज द रियल मैच विनर फॉर द पाकिस्तान टीम, नेवर गिव अप, इनोवेटिव बैक्स हिज स्ट्रेंथ। यानी वो अपनी स्ट्रेंथ पर रहे, द स्वीप शॉट, जो उनकी स्वीप शॉट है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसी पर रहे, और वो कितनी काबिलियत से वो स्वीप खेलते हैं और कितनी क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है जब वो स्वीप शॉट मारते हैं। और विक्रांत गुप्ता यहां तक लिखते हैं कि कमाल है, व्हाई डिड नॉट पाकिस्तान प्लेयर अब्दुल्ला शफीक बिफोर, यानी इससे पहले अब्दुल्ला शफीक कहां थे, ही लुक्स अ ब्रिलियंट बैटर, ही लुक्स अ ब्रिलियंट प्लेयर। वो कहते हैं कि इससे पहले अब्दुल्ला शफीक कहां थे दुनिया में, और खास तौर पर इंडियन मीडिया में जो हाईली प्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान टीम को, वो एक इंडिया पाकिस्तान से मैच से पहले जो एक पाकिस्तान टीम ने एक मोमेंटम पकड़ लिया है ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान टीम के लिए। और इसके अलावा हर्षा भोगले लिखते हैं कि दिस इज अ सुपर्बली क्राफ्टेड रन चेस एंड इट इज द 50 ओवर फॉर्मेट वेयर देयर इज अ टाइम टू इनिंग बिल्डिंग एंड दैट ऑलवेज फाइन प्लेयर ऑफ अब्दुल्ला शफीक। यानी अब्दुल्ला शफीक ओडीआई क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन आइकॉनिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान टीम के, क्योंकि जब प्रेशर होता है आपको 50 ओवर की गेम ऐसी है कि प्रेशर आ जाए आपके ऊपर तो आप इन्हीं को बिल्डअप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन आप जो है वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इंडियन मीडिया में बड़ा हाईली प्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान टीम को, इरफान पठान हो, चाहे आपके विक्रांत गुप्ता हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे गौतम गंभीर ने बड़ा हाईली प्रेस किया, उन्होंने मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था के रिजवान और अब्दुल्ला शफीक इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा बाबर आजम के लिए एक बड़ा सेटबैक है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले रन करना, जिस वक्त उनके पास एक गोल्डन चांस था वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट मारकर जो है वो आउट हुए। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने करके दिखाया है, जो रिजवान ने करके दिखाया, वो टोटली आउट क्लास है।